हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास इलेवेंथ टीएस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से, स्पेशल पर्पस बुक टू में। अदर बुक्स में हम पढ़ेंगे सेल्स बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सेल्स बुक क्वेश्चन नंबर 4। Prepare sales book from the following transactions of Mohan Traders dealing in furniture. Open the ledger accounts also. 2021 April 1 sold goods sold to Messrs Gupta Furniture House Delhi 100 chairs at the rate of rupees 1500 per chair, 40 tables at the rate of rupees 2000 per chair, less trade discount at the rate of 5%. April 10 sold goods to Messrs Ajit Singh and Sons Kolkata 150 desks at the rate of rupees 1000 per desk and 160 chairs at the rate of rupees 1500 per chair, less trade discount at the rate of 5%. April 15 sold to Messrs Ideal Furniture House Darjeeling 10 sofa sets at the rate of rupees 75000 each, 5 almirahs at the rate of rupees 3000 each, 25 round tables at the rate of rupees 4000 each, less trade discount at the rate of 10%. So let us see the solution for this. So let us see the solution. ये है सेल्स बुक का प्रोफार्मा, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल अमाउंट और फिर फाइनल अमाउंट। जैसा परचेस बुक का प्रोफार्मा या फॉर्मेट है वैसा ही हमें सेल्स बुक के लिए भी बनाना है, बस हेडिंग चेंज रहेगा। अब डेट में हम लिखेंगे 2021, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अप्रैल 1 हमने बेचा है मेजर्स गुप्ता फर्नीचर। हाउस दिल्ली 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 1500 ईच। सो इट विल बी डिटेल के कॉलम में लिखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देन 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2000 पर टेबल। सो वी विल मल्टीप्लाई इट एंड राइट हियर 80,000। बस यही दो ट्रांजैक्शन इनके साथ हुआ है। अब ग्रैंड टोटल आ गया रुपीज 2,30,000 का। ऐड करेंगे, इसमें लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। नाउ 2,30,000 का 5% आएगा 11,500। सो 11,500 लेस कर देंगे और फिर फाइनल अमाउंट 2,18,500 आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये हो गया मेजर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस का ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से हम अप्रैल 10 को रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 10 में आ जाइए। अप्रैल 10 है मेजर्स अजीत सिंह एंड सन्स। कोलकाता 150 डेस्क एट द रेट ऑफ रुपीज 1000 ईच। सो ये हो गया 1,50,000 का। डिटेल के कॉलम में पहले लिखेंगे और साथ में हमने 160 चेयर्स भी खरीदा है एट द रेट ऑफ रुपीज 1500 ईच। सो इट विल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 160 इंटू 1500, इट इज 2,40,000। बस यही दो आइटम है, इनको ग्रैंड टोटल करेंगे, ऐड करने से आएगा 3,90,000। इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है, सो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। सो 3,90,000 का 5% होगा 19,500। इसे माइनस करके फाइनल अमाउंट रुपीज 3,70,500 वी विल पुट इन द आउटर कॉलम। नाउ अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे।
ओके अप्रैल 15 मेजर्स आइडियल फर्नीचर दार्जिलिंग टेन सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 75,000 ईच सो दिस विल बी 7,50,000 फिर है फाइव अलमीराज एट द रेट ऑफ रुपीज 3,000 ईच 15,000 रुपीज और फिर है 25 राउंड टेबल एट द रेट ऑफ रुपीज 4,000 ईच ये हो गया रुपीज 1,00,000 इनको ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा रुपीज 8,65,000 इतना ही हम ऐड कर रहे हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% सो 8,65,000 का 10% आएगा 86,500 दोनों अमाउंट को लेस करके फाइनल अमाउंट 7,78,500 आउटर कॉलम में लिखेंगे सो इस तरीके से हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिए ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं इसलिए सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए गए अगर ये कैश ट्रांजेक्शन्स होते तो इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते नाउ वी विल ग्रैंड टोटल इट जो फाइनल अमाउंट है उस कॉलम को ग्रैंड टोटल करने से आता है 13,67,500 ये सिर्फ सेल्स का ही अमाउंट है इसलिए हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट इन द लास्ट लाइन क्योंकि इसमें और सारे डिटेल्स नहीं है जैसे कि फ्रेट है जीएसटी है वगैरह के बारे में जिक्र नहीं है ये अमाउंट सिर्फ सेल्स का है सो इन द पर्टिकुलर्स कॉलम वी विल राइट सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है इसलिए हम क्रेडिट भी शो करेंगे नाउ वी विल पोस्ट इट इनटू लेजर नाउ हम पोस्टिंग करेंगे सबसे पहले सेल्स बुक का जो ग्रैंड टोटल है वो सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है सो ऑन द लास्ट डे क्योंकि हमारे को इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऐसा लिखा नहीं है अप्रैल 15 ही है सो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अप्रैल 15 बाई सेंट्रीज और ग्रैंड टोटल है 13,67,500 बस हमें इतना ही पोस्ट करके ही इसे शो करना है इसे क्लोज नहीं करना है सिर्फ हमें पोस्टिंग शो करना है उसी तरीके से गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका ग्रैंड टोटल ही हमें यहाँ पोस्ट करना है सो इसके हम डेबिट में लिखेंगे और डेट है अप्रैल 1 टू सेल्स अमाउंट है रुपीज 2,18,500 दैट इज हाउ वी हैव टू शो ओनली पोस्टिंग वी हैव टू शो देन गुप्ता ट्रेडर्स गुप्ता फर्नीचर के बाद अजीत सिंह एंड इसमें भी है अप्रैल 10 टू सेल्स ये है रुपीज 3,70,500 एंड फाइनली आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग अप्रैल 15 टू सेल्स देखिए सारा डिटेल्स हमें कहाँ शो करना है सारा डिटेल्स सॉरी 7,78,500 सारा डिटेल्स हमें सेल्स बुक में ही शो करना है और यहाँ पर जो है वो ग्रैंड टोटल ये जो टोटल अमाउंट है उसे ही हमें यहाँ शो करना है सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू शो यू हैव टू पोस्ट इन द लेजर हमें लेजर को क्लोज नहीं करना वो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि कैसे हम इसे पोस्ट करेंगे सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू पोस्ट और सेल्स अकाउंट के हमने क्रेडिट में पोस्ट किया क्योंकि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है लेकिन ये जितने भी हैं गुप्ता फर्नीचर्स एंड अजीत सिंह एंड सन्स ये सारे हमारे डेटर्स हैं सो डेटर्स आर अवर एसेट्स एंड दे विल इंक्रीज व्हेन दे आर डेबिटेड सो इसलिए हम इसको डेबिट में किए हैं ये हमारे डेटर्स हैं ऑल दीज थ्री आर अवर डेटर्स
So now let us move on to the next question. Now, question number 5. From the following particulars, prepare sales book of Messrs. Gyan and Brothers, Delhi, dealer of stationery and post in ledger accounts. 2020, July 1, sold to Messrs. Stationery Mart, Delhi, 10 reams white paper at the rate of Rs. 300 per ream. Then, July 2, sold to Messrs. Puran Chand and Company, Chandigarh, 6 dozen pens at the rate of Rs. 200 per dozen. Then July 10, sold old newspaper for Rs. 62. Then July 25, sold on credit to Messrs. Rahim and Company, 10 drawing boards at the rate of Rs. 500 per piece. July 30, sold to Messrs. K.C. and Company, Delhi, 4 portable study tables at the rate of Rs. 5000 per table. So, in this question, July 10 में जो sold old newspaper है, ये record नहीं होगा, because it is not sales. क्योंकि ये old newspaper is not related to the trade. Fine, इसे हम record नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के सारे items को हम record करेंगे. और वैसे भी ये cash transaction है, sold old newspaper, वैसे भी ये cash transaction है. और ये लास्ट में यहाँ portable study table है, ऐसा लगता है कि ये furniture है. और ये कौन सा store है? ये एक स्टेशनरी स्टोर है. सो स्टडी टेबल है, इसलिए ये स्टेशनरी स्टोर का आइटम है और इसे सेल्स माना जाएगा, ना कि कुछ और. ओके, सो लेट अस सी हाउ सेल्स बुक इज टू बी प्रिपेयर्ड. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम सेल्स बुक प्रिपेयर करेंगे 2020 में. जुलाई फर्स्ट को हमने बेचा है Messrs. Stationery Mart, Delhi को. So we will write name here, Messrs. Stationery Mart, Delhi. क्या बेचा है? 10 reams white paper at the rate of rupees 300 each. Now इसे मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए, यहाँ हमने डिटेल्स का कॉलम भी बनाया है और फाइनल अमाउंट्स का, लेकिन एक एक ट्रांजैक्शन ही क्वेश्चन में दिया हुआ है और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह भी नहीं है. तो हम इसे सीधा फाइनल अमाउंट फाइनल कॉलम में लिखेंगे, डिटेल्स में कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है. उसी तरीके से जुलाई सेकेंड को है मेजर्स पूरन चंद एंड कंपनी चंडीगढ़. Six dozen pens at the rate of rupees 200 per dozen. So 600 into 200, ये भी हम final amount final column में लिख देंगे, rupees 1200. Then है July 10, sold old newspaper. ये एक cash transaction है, इसे हम record नहीं करेंगे. और फिर July 25th, Messrs. Rahim and Company, 10 drawing boards, at the rate of rupees 500 each. Fine, so इसका भी final amount 5000 rupees हम outer column में लिखेंगे. Then है July 30th. It is Messrs. KCN Company, 4 study tables. Okay. इसका भी फाइनल अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे. नाउ वी विल ग्रैंड टोटल इट. इसका ग्रैंड टोटल है रुपीस 29,200 और हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सिर्फ सेल्स का ही डिटेल यहाँ दिया हुआ है. फ्रेट
वगैरह जो दूसरा भी आता है कैरियज वगैरह, उसके बारे में कुछ भी नहीं है और उसका कॉलम भी हमने नहीं बनाया है, सो वी कैन मेंशन इट लाइक दिस। और ये भी जुलाई 30 को ही रहेगा, लास्ट डे ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड। नाउ वी विल पोस्ट इट इन टू लेजर। सो लेजर पोस्टिंग में सबसे पहले हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और जो पीरियड हमें दिया हुआ है जुलाई 30 का, सो लास्ट डेट लिखेंगे हम क्रेडिट के साइड बाय सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मीन्स इस महीने में जितने भी क्रेडिट सेल्स हुए हैं उन सब का ग्रैंड टोटल है, जो कि हमने सेल्स बुक में शो किया है ₹29,200। हमें सिर्फ पोस्टिंग शो करना है, हमें लेजर को बैलेंस वगैरह नहीं करना है। देन है सेकेंड मेजर्स स्टेशनरी मार्ट दिल्ली, क्योंकि ये हमारा डेटर है ना। सो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट होता है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया लेकिन डेटर्स के हम डेबिट में लिखेंगे डेट वाइज जुलाई 1, जुलाई 1 टू सेल्स, और अमाउंट है ₹3,000। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन था दूसरे डेटर का, उसे भी हम पोस्ट कर देंगे आफ्टर जुलाई 1। ट्रांजेक्शन जो है वो है जुलाई 2, सो हियर वी विल राइट जुलाई 2। मेजर्स पूरन चंद एंड कंपनी चंडीगढ़ टू सेल्स, इट इज़ ₹1,200, ओनली दैट मच वी हैव टू डू। फिर है मेजर्स रहीम एंड कंपनी, इसका है डेट, रहीम का डेट है जुलाई 25, अगेन टू सेल्स ₹5,000। एंड लास्टली मेजर्स केसी एंड कंपनी दिल्ली, इट इज जुलाई 30 टू सेल्स एंड अमाउंट इज ₹20,000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पोस्ट इट इन टू लेजर। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। From the following particulars, prepare sales book of Raj and Company Kolkata, who deals in furniture. Okay, 2021 January 5 sold to Hari and Company Kolkata 10 tables at the rate of ₹1,100 each, 20 chairs at the rate of ₹1,000 each. January 10 sold to Major Sharma and Company Delhi 5 almirahs at the rate of ₹5,000 each and 5 stools at the rate of ₹1,000 each. Then January 20 sold old furniture for ₹600 to Raja and Company Kolkata. ये transaction record नहीं होगा क्योंकि ये furniture नहीं है और ये वैसे भी old assets को बेच रहे हैं। So in sales book हमें sales को ही record करना है। Sales means sale of goods. Fine. Then January 25 sold to Majors Sohan Lal and Brothers Kolkata 5 tables at the rate of ₹2,500 each and 1 revolving chair at the rate of ₹5,000. Show the posting from sales book to ledger accounts. और हमें इसको ledger accounts में भी show करना है. So let us see the solution. So solution 6, in the books of Raj and Company Kolkata, sales book prepare कर रहे हैं. Date, particulars, invoice number, ledger folio, detail amount and final amount. सबसे पहले है January 5. सो सोल्ड टू हरी एंड कंपनी, सो सिर्फ हमें हरी एंड कंपनी लिखना है, हरी एंड कंपनी कोलकाता 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹1,100 ईच। सो डिटेल के कॉलम में हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इन दोनों अमाउंट को। देन 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1,000 ईच, सो इट इज़ 20,000। बस कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सजेस्टेड नहीं है, सो इनको ग्रैंड टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 31,000। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे January 10, मेजर शर्मा एंड कंपनी 5 अलमीराज एट द रेट ऑफ ₹5,000 ईच। ये हो गया 25,000, डिटेल के कॉलम में शो करेंगे। एंड 5 स्टूल्स ऑल्सो एट द रेट ऑफ ₹1,000 ईच, ये हो गया 5,000।
ग्रैंड टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे 30,000। देन जनवरी 20 वाला रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो ओल्ड फर्नीचर, व्हाट्स दैट, ओल्ड प्रिंटर हम बेच रहे हैं। देन है जनवरी 25। सोहन लाल एंड ब्रदर्स, फाइव टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹2,500 ईच, इट इज 12,500। और वन रिवॉल्विंग चेयर, एट द रेट ऑफ ₹5,000। सो ये हो गया 5,000 का। एंड इसका भी ग्रैंड टोटल 17,500 इन द आउटर कॉलम। सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद हम ग्रैंड टोटल करेंगे। यहाँ फाइनल अमाउंट का ग्रैंड टोटल है 78,500 और इसी को हमें सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और वो भी क्रेडिट के साइड। सो वी विल राइट हेयर क्रेडिट। ये जो हमने बनाया है अभी, ये सेल्स बुक है, और सेल्स बुक का ग्रैंड टोटल सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। सो नाउ वी विल ट्रांसफ़र इट एंड पोस्ट इट इनटू लेजर। सो आप पोस्टिंग करेंगे सबसे पहले सेल्स अकाउंट में। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, और पीरियड का लास्ट डे, सो जनवरी 25 ही लिखते हैं, है ना, या जनवरी 30 भी लिख सकते हैं। बाय सेंट्रीज, सेंट्रीज मीन्स इस पीरियड में जितने भी क्रेडिट सेल्स हुए हैं उनका ग्रैंड टोटल जो हमने सेल्स बुक में बनाया है वो हम लिखेंगे 78,500, और हमें सिर्फ पोस्टिंग शो करना है। देन है हरी एंड कंपनी कोलकाता, ये है जनवरी 5 को, सो डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा डेटर है। सो टू सेल्स ₹31,000। उसी तरीके से नेक्स्ट है शर्मा एंड कंपनी न्यू दिल्ली, इसके भी डेबिट में लिखेंगे, और इनका डेट है जनवरी 10, टू सेल्स ₹30,000। और फाइनली सोहन लाल एंड ब्रदर्स, ये भी है जनवरी 25 को, टू सेल्स ₹17,500। सो इस तरीके से सारे पोस्टिंग्स को अंजाम दिया जाएगा, और इस हमें लेजर को क्लोज नहीं करना है, बैलेंस क्लोज डाउन ब्रॉड डाउन वगैरह कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पोस्टिंग से रिलेटेड जानकारी पूछी गई है। सो वी विल जस्ट पोस्ट इट, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल द लेजर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, यू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।